तो दोस्तों जब भी आपके पास कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ टच रिप्लेस करने के लिए आए तो कुछ इस तरीका से ये ट्रिक से रिप्लेस करें तो ये जो है आपका 100% वर्क करेगा और कहीं पे कुछ भी जो है दिक्कत नहीं आएगा, काफ़ी जो है इजी तरीका से ये आपका रिप्लेस भी हो पाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टूटा हुआ इसके लिए यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन में टच के ऊपर ग्लास के ऊपर एक ग्लास लगा लेना है या फिर यहाँ पर कोई प्लास्टिक से लेमिनेशन कर लेना है। कुछ इस तरह से करने के बाद जो है जितने भी बहुत ज़्यादा जो छोटा छोटे जो टूटा हुआ है वो तो एक जगह से आपका चिपका हुआ रहेगा। दूसरी बात जो आप जब भी यहाँ पे आप कटिंग करेंगे तो आपको जो है ग्लास को कटिंग करते के टाइम जो है वो काफ़ी जो है ईजी होगा। अब यहाँ पे सेपरेटर मशीन के ऊपर इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे जब ये हीट हो जाएगा तो यहाँ पे हीट होने के बाद यहाँ पे जो है इसमें टच कटिंग वायर से आपको यहाँ पे बारीकी से जो फ्लेक्स है फ्लेक्स के जस्ट नीचे आपको सिर्फ ग्लास के ऊपर यहाँ पे आवे उस तरह से आपको जो यहाँ पे कटिंग वायर को रखना है। और कटिंग वायर को रखने के बाद यहाँ पे ध्यान रहे कि अच्छे से आपका हीट हो जाए, उसके बाद ही कटिंग वायर यहाँ पे लगाना है। और जब भी आप कटिंग वायर रखेंगे तो आपको इस तरह से कुछ जो है इसमें कटिंग करना है, एक बार जो है आपको राइट की साइड में खींचना है, दूसरी बार जो है आपको लेफ्ट की साइड में खींचना है। तो इस तरह से जब टेढ़ा करके आप कटिंग करेंगे तो आपका काफ़ी जो है इजी तरीका से कटिंग भी हो जाएगा, जिसमें कि आपका बहुत जल्दी कटिंग हो जाएगा और वो आपका जो है डिस्प्ले में कुछ भी लाइनिंग या कुछ भी जो है स्पॉट आने की चांसेस जो है बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, काफ़ी जो है इजी तरीका से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है बिल्कुल कटिंग हो गया और ये जो ग्लास है वो काफ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें टूटा हुआ है, फिर भी जो है ये मेरा डिस्प्ले जो है बिल्कुल यहाँ पे आई होप कि ये मेरा सही रहेगा, कहीं पे कुछ भी जो है दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे जितने भी ग्लू लगा हुआ है इसको हम बारीकी से इसमें क्लीन कर लेते हैं और फिर यहाँ पे क्लीन करके यहाँ पे हम आपको इसमें चेक करके भी दिखाएंगे कि मेरा जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल जो है सेफ है कि नहीं है या फिर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ग्लू जितने भी है उसको हम यहाँ पर क्लीन कर ले रहे हैं और क्लीन करने के बाद फिर चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मित्र मेरा जितने भी ग्लू था वो क्लीन हो गया। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इसमें फ्रेम के ऊपर इसको लगा के फिर यहाँ पे मैं चेक करके देख लेता हूँ कि मेरा डिस्प्ले का क्या हाल है, सही है या फिर ख़राब है। उसके बाद ही यहाँ पे मैं जो इसमें नया वाला जो है टच इसमें लगा के फिर पंचिंग करके इसमें यहाँ पे फिर इसको फोल्डर को इसमें मैं सेट करके देख लूँगा। तो चलिए पहले इसको यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है बिल्कुल जो है यहाँ पे डिस्प्ले जो है मेरा बिल्कुल यहाँ पे सेफ है, कहीं पे कुछ भी जो है दिक्कत नहीं आया है। ऊपर की साइड में थोड़ा सा स्पॉट आया है, ये जो है बिल्कुल आपका 100% हट जाएगा अगर इस तरह का थोड़ा बहुत स्पॉट आता है। तो यहाँ पे मैं इसको ग्लास को पंचिंग कर लिया हूँ और यहाँ पे चारों की साइड में मैं यहाँ पे ग्लू लगा लेता हूँ। और जब भी यहाँ पे आप ग्लू लगाएं तो ध्यान रहे कि यहाँ पे जहाँ पे आपका सेंसर रहता है वहाँ बहुत ही कम ग्लू देना है और यहाँ पे कैमरा के साइड में ऊपर की तरफ भी आप ग्लू दें ताकि आगे से जो है डस्ट जो भी उसमें धूल रहते हैं वो डिस्प्ले में नहीं जाए और आगे चल के मतलब सेफ रहे। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ। Thank you.
तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है मेरा बिल्कुल जो है परफेक्ट हो चुका है। और आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने में को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक।